नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 300 बेड के नए कोविड 19 हॉस्पिटल और 500 बेड के बाल रोग चिकित्सालय का उद्घाटन कर दिया है। इसके साथ ही सीएम ने बीएसएनएल 3 लैब गेस्ट हाउस और 100 सीटेड ब्याज हॉस्टल का भी उद्घाटन किया। सीएम 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार से गोरखपुर में है। मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक में 200 बेड का कोविड अस्पताल पहले से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक अलग 300 बेड का कोविड अस्पताल का निर्माण किया है। इसमें 200 बेड का लेवल 2 वार्ड है। इसके अलावा 100 बेड की वेंटिलेटर यूनिट है, जिसमें गंभीर मरीजों का इलाज होगा। इसका संचालन शुरू होने के साथ ही बीआरडी में कोरोना वार्ड के बेड की संख्या 500 हो गई है। कोविड हॉस्पिटल दूसरा 300 बेड का यह नया कोविड हॉस्पिटल आज यहाँ पे मोबाइल पीछे नीचे भैया। ये साथ ही गोरखपुर में हम लोगों ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को जो 200 बेड का था उसको कोविड हॉस्पिटल के रूप में यहाँ बनाया था। यह गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी का लेवल 3 का एकमात्र कोविड हॉस्पिटल था। आज हम इसे यहाँ पर 300 बेड और दे रहे हैं, इसका लोकार्पण किया है। शुरुआत में गोरखपुर में केवल एक यहाँ पर शुरुआत में केवल एक ही यहाँ पर सुविधा थी। मात्र 200 बेडेड का जो हॉस्पिटल था उसमें 20 बेड ही आईसीयू के थे। उसको धीरे धीरे करके बढ़ा करके 70 बेड आईसीयू के किए गए। शेष 130 बेड आइसोलेशन बेड यहाँ पर पहले से थे। आज यहाँ पर 100 बेड हम आईसीयू के देने जा रहे हैं और 200 आइसोलेशन बेड यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रकार से काफ़ी गुना वृद्धि हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल में बेड्स की है। गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में लोगों को और आसपास के लोगों को कोविड हॉस्पिटल में बेड्स की कमी नहीं पड़ेगी या जो सुविधा दी जा रही है। दूसरा, यहाँ पर BSL 3 लैब, ये किसी भी मेडिकल कॉलेज की पहली लैब है लेवल 3 की, जो आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कोरोना आगमन के साथ प्रदेश में हमारे पास कोविड जांच की कोई लैब नहीं थी। पहली लैब हमने KGMU में प्रारंभ की थी, केवल भारत सरकार के सहयोग से केवल 72 टेस्ट उसमें होते थे। इसके बाद हम लोगों ने ट्रूनेट मशीन से जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसके बाद एंटीजन किट से इस जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 3 प्रकार की जांचें चल रही हैं। 72 टेस्ट से आज हम लोग प्रतिदिन